बात पश्चिम बंगाल में आज चल रहे पांचवें और आखिरी चरण के मतदान की करेंगे, जहां ममता सरकार के एक मंत्री के विवादित बयान से सियासत तेज हो चुकी है। मंत्री ने कोलकाता के एक मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा है। मंत्री का नाम फिरहाद हाकिम है और ये बयान हाकिम ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में दिया है। अब बीजेपी इस पर आपत्ति उठा रही है और इसे ममता सरकार का सांप्रदायिक एजेंडा बता रही है। मंत्री का नाम फिरहाद हाकिम है। उन्होंने ये विवादित इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान बताया। अब बीजेपी के नेता इस पर आपत्ति कर रहे हैं। मंत्री का नाम फिरहाद हाकिम है जो कि ममता सरकार में मंत्री है। अंग्रेजी अखबार को ये इंटरव्यू दिया गया था फिरहाद हाकिम की ओर से और पाकिस्तान के अखबार डॉन में भी ये तमाम बातें लिखी गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिया ये बयान, इसके बाद अब ये मंत्री विवादों के घेरे में है। बीजेपी भी इन्हें निशाने पर ले रही। और इस पर बीजेपी के तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है सुनिए। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता जो उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये मिनी पाकिस्तान है, उससे कम नहीं है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, टीएमसी पार्टी और उनका जो लीडर है ममता बनर्जी, एकदम क्या बोलेगा, कम्युनल लीडर है। ये पश्चिम बंगाल में ये वोट बैंक कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलता है। तो ये सांप्रदायिक जो नेता है फिरहाद हकीम, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख सबको मिलके सबको एक साथ पश्चिम बंगाल चलते हैं, मगर ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं इनका विरुद्ध, हिंदू मुस्लिम का राइट्स लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध में वोट आएगा भवन।